हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट हेल्दी। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर उम्र के लोगों में बीपी की समस्या आम सी हो गई है और बीपी के मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या बूढ़े क्या जवान, आजकल तो बच्चों को भी बीपी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गाइस, बीपी की प्रॉब्लम हमें मामूली सी लगती है, लेकिन अगर इसे समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो इससे हार्ट प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है बीपी को कंट्रोल में रखा जाए। बीपी कम हो या ज्यादा, दोनों ही खतरनाक है, लेकिन हाई बीपी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आज मैं आपको कुछ डाइट टिप्स बताती हूँ, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बीपी का एक मुख्य कारण है ओवरवेट। ओवरवेट के कारण आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है। गाइस, बीपी को कम करने के लिए वेट लॉस पर ध्यान दें। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी वेट लॉस वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका मोटापा घटेगा गाइस, आप देखेंगे आपका बीपी भी कंट्रोल में आने लगा है। कम से कम 1 किलोग्राम जब आप वेट लूज करते हैं तो आपका 1 मरकरी बीपी कम हो जाता है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। गाइस, आप डैश डाइट को फॉलो करें। डैश डाइट का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट में पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फल खाने चाहिए। उन्हें कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, सलाद और हरी सब्जियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डैश डाइट के हिसाब से आपको डेली इंटेक में पोटेशियम और मैग्नीशियम को बढ़ाना है, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में से सोडियम को बाहर निकालने में हेल्प करता है। जितने कम कंटेंट में सोडियम रहे हमारी बॉडी में उतना बीपी कंट्रोल में रहेगा। वे फूड्स जिनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है वो हैं केला, खुबानी, एवोकेडो, संतरा, स्वीट पोटैटोस, मशरूम, टमाटो और बीन्स। हरी सब्जियों में आप बंद गोभी, कोलर ग्रीन्स यानी कि हक का साग, केल का साग, सरसों का साग, पालक, मूली और मूली के पत्ते। मूली वैसे तो ये एक सब्जी है, लेकिन मूली के पत्तों में एंटी हाइपरटेंसिव के तत्व मौजूद होते हैं, जो बीपी को कंट्रोल रख दिल को स्वस्थ बनाए रखते हैं। अपने खाने में बेरीज को ऐड करें, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन बीपी के डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक सिस्टम में राहत देता है। यही कारण है बीपी पेशेंट को रोज 1 कली लहसुन की निगलनी चाहिए। इलायची। माना जाता है इलायची को रोज खाने से प्रभावी ढंग से बीपी कम होता है। इसे खाने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तरबूज और खसखस। तरबूज के बीज और खसखस को अलग अलग पीसकर एक बराबर मात्रा में मिलाकर रख दें और उसे रोजाना सुबह उठकर 1 चम्मच इस्तेमाल करें। इससे भी बीपी में काफ़ी फायदा होता है। अजवाइन। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में भी बहुत किया जाता है। आयुर्वेद में चुटकी भर अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है। वही ये खाने से हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। ड्रिंक्स में आप चुकंदर जूस, अनार जूस और आंवले का रस निकाल कर पिए। आंवला कई बीमारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन 1 चम्मच आंवले का रस और उतना ही हनी मिलाकर पीने से हाई बीपी से राहत मिलती है। हेल्दी प्रोटीन फूड खाएं, जैसे कि राजमा, मसूर की दाल, काबुली चना, पीनट बटर आदि। ब्राउन राइस। अगर आपको चावल पसंद हैं और आप रोज़ खाने में चावल का सेवन करते हैं, तो आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। नट्स में आप पिस्ता ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सबसे हेल्दीएस्ट नट्स है जो बीपी को कम करता है। ओट्स। ओट्स में एक प्रकार का फाइबर होता है जिसका नाम है बीटा ग्लूकेन, जो बीपी को कम करता है, इसलिए ओट्स को अपनी डाइट में ज़रूर लें। इसके साथ साथ आप आयरन रिच फूड भी खाएं। आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बीपी पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ें कम मात्रा में खानी हैं। नमक। आप पूरे दिन में जितना नमक खाते हैं इसको आपने कम करने की कोशिश करनी है। अगर आप वो इंसान हैं
जो खाने के ऊपर थोड़ा नमक छिड़कते हैं, तो ये आदत धीरे धीरे करके कम करें। हाई सॉल्ट फूड जैसे कि अचार, सोया सॉस, ब्लैक और रॉक सॉल्ट आदि ना खाएं। प्रोसेस्ड और रेस्टोरेंट फूड में भी बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट होता है, इसीलिए उसे भी अवॉइड करें और घर का बना हुआ खाना ही खाएं। आप रिफाइंड फूड में मैदा और पॉलिश राइस को अवॉइड करें। आप अपने खाने में तेल और बटर का प्रयोग कम करें। कैफीन वाली चीज़ें अवॉइड करें जैसे कि चाय और कॉफ़ी, क्योंकि कैफीन हमारे बीपी को बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी कोई बुरी आदत है जैसे आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उसको पूरी तरह से अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके बीपी को बढ़ाता है और आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। इसके सेवन से आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा आपको इन बातों का ध्यान रखना है जैसे कि स्ट्रेस ना लें। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस होना तो एक आम बात है, लेकिन स्ट्रेस भी हाई बीपी का एक मुख्य कारण है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले लोग ही हाई बीपी का शिकार होते हैं। आप स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। गाइस, डेली एक्सरसाइज करने से बीपी कम होता है। अपना बीपी डेली चेक करते रहें। सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपर की रीडिंग 90 से 120 के बीच होनी चाहिए और डायसिस्टोलिक बीपी मतलब नीचे की रीडिंग 60 से 80 के बीच होनी चाहिए। गाइस, आपने देखा, आप अंग्रेजी दवाइयों को अवॉइड करके बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, हम तो यही कहेंगे, अंग्रेजी दवाइयों को अवॉइड करें, घरेलू उपाय करें। खैर, आपको हमारी वीडियो काफ़ी फायदेमंद लगी होगी, तो गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।